हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 151 के बारे में। क्या है सीआरपीसी का 151 और ये इतना खास क्यों है? क्या 151 में अरेस्ट करने के बाद जमानत करवाना जरूरी होता है? इसका प्रोविज़न क्या होता है? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 151 पुलिस को दी हुई एक बहुत बड़ी पावर है। सीआरपीसी के चैप्टर 11 में पुलिस को कुछ निवारक पावर्स दी गई हैं और इन पावर्स का इस्तेमाल वो सेक्शन 151 में कर सकता है। जब भी किसी मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को सेक्शन 151 के अंतर्गत गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को अपनी जमानत करवानी होती है। ऐसी बेल एसडीएम कोर्ट से होती है। क्या इसके अंतर्गत जमानत लेना जरूरी होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन 151 क्या कहता है। सीआरपीसी का सेक्शन 151 पुलिस को दिया गया एक पावर है। जैसा कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी असंज्ञेय अपराध में बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर कोई वारंट कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है तभी पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस को संज्ञेय अपराध में सीधे सीधे उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का पावर होता है। कभी कभी पुलिस को ये पता होता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है बल्कि वो कोई अपराध करने जा रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो कानून ने पुलिस को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वे नागरिकों की सुरक्षा के लिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को सेक्शन 151 के अंतर्गत गिरफ्तार कर ले। पुलिस केवल अपराध होने के बाद ही काम नहीं करती बल्कि उसकी पहली जिम्मेदारी तो ये होती है कि वो अपराध को होने ही ना दे। तो इस तरह से सेक्शन 151 पुलिस को दी गई एक ऐसी पावर है जो कि फ्यूचर में होने वाले अपराध को रोकने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तरह से सेक्शन 151 के अंतर्गत पुलिस को ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, भले ही उसने कोई अपराध किया हो या फिर ना किया हो। अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अगर वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो व्यक्ति कोई ना कोई अपराध जरूर कर देगा और ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध होगा, तो वो उस व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये भी ध्यान रखना होगा कि सेक्शन 151 के तहत वो उस व्यक्ति को तभी गिरफ्तार कर सकते हैं जब उनके पास कोई आखिरी रास्ता ना बचा हो और उन्हें ऐसा लगे कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो अपराध कर ही देगा। अगर पुलिस बगैर गिरफ्तार किए ही अपराध को रोक सकती है तो वो गिरफ्तार करने से पहले अपराध को रोकने की कोशिश करेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सीआरपीसी के सेक्शन 151 के तहत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या उसे जेल भेजा जाता है? तो सीआरपीसी के सेक्शन 151 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में जेल नहीं भेजा जाता बल्कि केवल पुलिस हिरासत में ही रखा जाता है। पुलिस ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के रिलेशन में जो भी जानकारी होती है वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है और उन्हें पुलिस थाने में बने हुए हवालात में ही रखा जाता है। लेकिन किसी भी हालत में पुलिस इस तरह से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हवालात में नहीं रख सकती, क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 24 घंटे से पहले पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को मिला संवैधानिक अधिकार है कि पुलिस बगैर मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे तक हिरासत में नहीं रख सकती। तो अभी तक सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या सेक्शन 151 के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो क्या उसे जमानत लेनी पड़ती है? जब किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 151 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, तब ऐसी गिरफ्तारी केवल 24 घंटे तक के लिए ही होती है। सेक्शन 151 के अंतर्गत कहीं भी इस बात के लिए उल्लेख नहीं किया गया है और ये धारा पुलिस को केवल गिरफ्तार करने की पावर देती है। इस सेक्शन के अंतर्गत कहीं भी जमानत जैसी बात का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को सेक्शन 151 के अंतर्गत गिरफ्तार करती है तब उसे एसडीएम की कोर्ट में प्रस्तुत करती है। पुलिस यहाँ पर कानून के दूसरे प्रोविजन का सहारा लेकर व्यक्ति से जमानत भी भरवा देती है, जैसा कि सीआरपीसी के चैप्टर 8 में बताया गया है। बात करते हैं कि क्या सीआरपीसी के सेक्शन 151 के तहत जब गिरफ्तार होता है व्यक्ति तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है या फिर नहीं। सीआरपीसी का सेक्शन 151 के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के रिलेशन में पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ये पुलिस की एक बहुत बड़ी पावर होती है, यानी कि गिरफ्तारी भी पुलिस ही करती है और छोड़ती भी पुलिस ही है।
पर उसके लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। पुलिस ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का रिकॉर्ड सुरक्षित कर देती है, जिससे उन्हें भविष्य में इस बात की जानकारी होती है कि वो व्यक्ति कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं है जिसे गिरफ्तार किया गया था। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी सीआरपीसी के सेक्शन 151 के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।